एक्सप्लोसिव्स को इस तरह से बिल्कुल केयरलेसली कोर्ट में लाना, पब्लिक प्लेस में लाना, वो सेफ नहीं है। ये लापरवाही कही जा सकती है, ये सही तरीका नहीं है कि इस तरह किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को कोर्ट में इस तरह लाया जाए। ये पब्लिक प्लेस है, कभी भी कुछ हो सकती है। आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं पटना सिविल कोर्ट में। आपको बता दें कि कुछ देर पहले अभी पटना सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सूत्रों से पता चला है कि जो अभी कुछ दिनों पहले जो पटेल छात्रावास में जो बम पकड़ाया था, जो बारूद वहाँ से बरामदगी हुई थी, वो आदमकुआं थाना के द्वारा अभी कोर्ट में लाया गया था। जो कोर्ट में अभी उसका पेशी करना था, जो कोर्ट में लाया गया, जो जज के सामने जो चेंबर में रखा गया, जो जैसे ही रखा गया तुरंत फट गया। हालांकि हताहत की कोई खबर नहीं है, लेकिन सूत्रों से कुछ पता चल रहा है कि एक दो पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, लेकिन अभी तक ये मामला पूरा साफ नहीं हुआ है कि क्या कुछ मामला अंदर है किसी। लेकिन आइए, कुछ यहाँ पे सुरक्षाकर्मी भी आप देख सकते हैं, पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे बढ़ा दी गई है। उधर भी आप देख सकते हैं, उस साइड भी सिविल कोर्ट। आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सिविल कोर्ट में अभी ब्लास्ट हुई है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी विषय की बात है। आइए, कुछ क्या हुआ है सर, क्या हुआ? अभी योजन शाखा से कुछ अथी हुआ है, उसी में आवाज़ मिला है। हम लोग एक नंबर गेट पर है, उस तो हम लोग देखे थे कि सर एक तो ब्लास्ट हुआ है अंदर। ब्लास्ट की आवाज़ सुने हैं लोग, लाए थे अभी योजन शाखा में दरोगा जी थाना से। अब वहीं पर वो रखे तो घायल भी हुआ है, पता नहीं है। देखिए बम दस्ता आ गया सर, ये देख सकते हैं बम दस्ता, बम चेक करने वाले जो होते हैं वो लोग भी आ रहे हैं। लगातार सिविल कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, काफ़ी यहाँ पे हताहत होने की काफ़ी संभावना है कि लोग यहाँ पे जो भी लोग आते जाते रहते हैं, काफ़ी ये बम फटने से काफ़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं बम स्क्वाड की गाड़ी भी आ चुकी है, बम चेक करने के लिए जा रहा है। और जो भी लोग घायल हुए हैं, जिनको पटना PMCH में इलाज के लिए भेजा गया, हालांकि PMCH इलाज में कहना है कि ज़्यादा लोग जो भी हैं ज़्यादा तरह से घायल नहीं हुए हैं, एक दो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक पुलिसकर्मी की घायल होने की सूचना ही आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे प्रशासन की पूरी चाक चौबंदी बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं किस तरह से लगातार जो भी लोग यहाँ पे सिविल कोर्ट में आते जाते हैं, लगातार लोगों की चेकिंग भी अब बढ़ा दी गई। इससे पहले इतनी चेकिंग नहीं यहाँ पे होती थी, लेकिन जैसे ही बम फटी उससे चेकिंग बढ़ा दी गई है। और कहीं ना कहीं सूत्रों से पता चल रहा है कि जो पटेल हॉस्टल छात्रावास से जो बारूद जो वहाँ से बरामद हुआ था कुछ दिनों पहले, उसको आदमकुआं थाना के द्वारा जो आज यहाँ पे पेशी करना था सिविल कोर्ट में, आज जैसे ही उसको लाया गया टू ब्रिंग द एनी एक्सप्लोसिव इन द कोर्ट परमिशन, दिस इज रॉन्ग मेथड। इफ देयर सर्टेनली द एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव्स को इस तरह से बिल्कुल केयरलेसली कोर्ट में लाना, पब्लिक प्लेस में लाना, वो सेफ नहीं है। वो जान लीजिए आप, इसका एक मेथड होना चाहिए। आज के बदलते परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे टेक्नोलॉजी मैंने हाई हो चुके हैं, उसका अडॉप्ट करना चाहिए, उस मेथड को फॉलो करना चाहिए। क्या लगता है आपको, किस तरीके से करना चाहिए वो? उसका बहुत सारे टेक्निकल आज के समय में टेक्निकल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बहुत सारे हैं, उसको उस मेथड से एक्सप्लोसिव हो चाहे कोई भी फायर आर्म्स हो, इस तरह से ओपन प्लेस में नहीं रहना चाहिए, मेरा अपना मानना है। ओपनली लाया गया इसी कारण से घटना हुई? हाँ, इसी तरह जो मैंने ओपनली लाया हम नहीं जानते हैं। देखे हम देखे हैं जस्ट कि द एक्सप्लोजन ऑफ द बम ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस इन आवर कोर्ट परमिशन, तो दिस इज नॉट सेफ। इन माय जानकारी दीजिए कि अभियोजक शाखा में जो बम लाया गया था, जो जब्त बम होता है किसी मामले को लेके, क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? पहले भी इस तरह के जो जब्त बम है, जो प्रक्रिया रहती है वो आती है क्या? इस तरह से कोर्ट में बुलाया जाता है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही कही जाएगी? लापरवाही तो कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही कही जा सकती है। ये सही तरीका नहीं है कि इस तरह किसी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को कोर्ट में इस तरह लाया जाए। ये पब्लिक प्लेस है, कभी भी कुछ हो सकती है। और हम तो समझते हैं कि जो आज का बदलते परिप्रेक्ष्य है उसके अनुसार इसका मेथड चेंज हो जाना चाहिए, चाहे जो भी हो। ठीक है, किनके आदेश से ये आया था? अब ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हमने देखा है कि बदलाव की जरूरी है। हाँ, बदलाव की जरूरी है। हाँ, इसके लिए बहुत सारे आज के समय में बदलते परिप्रेक्ष्य में साइंटिफिक बहुत सारे डेवलपमेंट हो चुके हैं, तो इस तरह ओल्ड मेथड को क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है? कोई घायल भी हुए क्या? कुछ सुन रहे हैं कि कोई लोग इंजर्ड हुए हैं, कुछ लोग सिपाही हैं या कुछ वहाँ इंजर्ड हुए हैं लोग। चीज जानकारी दीजिए, जब इस तरह का मामला सामने आता है, किसी तरह के केस दर्ज होते हैं, जब प्रक्रिया चलती है, सुनवाई होती है, तो इस तरह का बम से जुड़ा हुआ अगर कोई मामला रहता है तो हमेशा लाया जाता है क्या?
कोर्ट परिसर में। ना ये तो है कि जो भी सब्सटेंसेज हैं उनको जुडिशियल नोटिस में लाने के लिए उसको एग्जिबिट कराया जाता है, उसको दिखाया जाता है, मगर मेरे समझ से ये सेफ मेथड नहीं था। ठीक है, एक घटना घटी है यहाँ पे हमारे पीपी लोक अभियोजक अभियोजन कार्यालय है, उसी कार्यालय के रूम में घटी है। किसी सुनवाई के दौरान ये पूरी घटना? नहीं, वो लाया गया होगा, सब्सटेंस को लाया गया होगा तो उसको दिखाया जा रहा होगा, उसी क्रम में ऐसे एक्सप्लोजन हुआ है। जज साहब भी मौजूद थे क्या? नहीं, वहाँ कैसे रहेंगे वो, तो जज साहब तो कोर्ट में रहेंगे ना, उसको अब तो कोर्ट में ले जाए। ठीक है, आप देखें जाके। हमने देखा है कि वहाँ पर कुछ उसका सब्सटेंस बिखरा हुआ है, तो वहाँ लोग उसको बंद कर रहे थे कि पब्लिक उसको एंट्री नहीं किया जाए। बम स्क्वाड की टीम भी अभी आई है, ये नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार सिन्हा, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट। हमको लग रहा है कि ये 1:30 बजे के आसपास का घटना है। हमेशा देखा जाता है भाई, सिविल कोर्ट में इस तरह का लापरवाही का मामला सामने आता है। देखिए, लापरवाही में अब इस मेथड को चेंज कर देना चाहिए मेरे समझ से। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल सजेशन है ना, फॉर दी अथॉरिटीज ऑल्सो, कि इसको चेंज होना चाहिए। बहुत सारे साइंटिफिक मेथड डेवलप हो चुके हैं, क्यों ऐसे ऐसे एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, डेंजरस सब्सटेंस को आप ओपन प्लेस में लाते हैं? बहुत सारे मेथड डेवलप हो चुके हैं, क्यों नहीं उस व्यवस्था को वहीं किया जाए जहां पे इसको सेफली रखा जा सकता हो? है नहीं, दिस इज वेरी अनसेफ मेथड। सुना ये सिविल कोर्ट का वकील थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि 1:30 बजे घटना घटी है, लेकिन कहीं कोई हताहत की खबर नहीं है। 1 से 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, लेकिन इस तरह से कि सिविल कोर्ट में पब्लिक प्लेस में बम को लाना, ये कहीं से सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि जो भी 1:30 बजे की करीब में ये बम फटा है, कहीं भी कोई भी हताहत की सूचना नहीं है। 1-2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जिनको इलाज के लिए PMCH में भेजा गया है। हालाँकि अभी और आगे क्या कुछ होती है, अभी बम चेक करने वाले बम स्क्वाड की टीम भी आई है, हालांकि आगे क्या कुछ होती है आपको हम अपडेट्स खबर देते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।